सत्य कहूँ खग तोही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस बिचारी भजु मोही परी हरि आस भरोस सो। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते, उनके बारी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों के खेल करने लगे, नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागी पुरारी अशुभ भे बेस कृत शिव सुख अवधपुरी नर नारी ते ही सुख मोहु संतत मगन। जिस मुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं।